Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Just. Beleza. Estou a fazer um dos danos. भाई सलूट है फोर मेरे कल वाइफ को, इनकी स्काउटिंग। हमारे पाकिस्तानी प्लेयर होते ऐसे मुंह उठाकर अंदर भागते आते, भाई उसने कैसे स्काउट किया एक बिल्डिंग का एक दरवाजा और आगे अंदर घुसा। भाई साहब यार ये क्या था। अस्सलाम वालेकुम गाइज, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं पीएमपीएल साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस के डे 3 के मैचेस से रिलेटेड। लीग स्टेजेस के कल के मैचेस में पहले मैच में डीआरएस गेमिंग ने चिकन डिनर निकाला है, दूसरे मैच में हाई वोल्टेज ने, तीसरे मैच में सेवंथ एलिमेंट्स ने, चौथे मैच में राय स्पोर्ट्स ने और पांचवें मैच में SR3XE स्पोर्ट्स ने चिकन डिनर निकाला है। तो गाइस सबसे पहले सेवंथ एलिमेंट का चिकन डिनर मूवमेंट मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। सेवंथ एलिमेंट क्या ना अलियान आगे आएंगे, ज्ञान तक स्पॉट किया जाएगा। सामने ही डीआरएस के दो प्लेयर्स भी दिखाई देंगे उनके, लेकिन ग्रेनेड को करके वो ग्रेनेड के साथ यहाँ पर नॉकआउट निकालना चाहेंगे। सेवंथ एलिमेंट को इस ट्रैक की तरफ एज सून एज पॉसिबल चले जाना चाहिए, पोर्टल जोन कंट्रोल इनको लेना पड़ेगा। लेकिन सेवंथ एलिमेंट बोलेगी धावा, डीआरएस के ऊपर नॉकआउट निकाले जाएंगे, ज्ञान तक स्पॉट किया जाएगा। ज्ञान तक काफी लो एचपी हो जाएंगे, डिवाइन भी यहाँ पर डैमेज तो खाते हैं, लेकिन ही वॉन्ट्स टू टेक दैट नॉक फर्स्ट। वो आगे बढ़ेंगे, नॉकआउट निकाला जाएगा एंड डीआरएस इज डन फॉर द गेम। आखिरी प्लेयर जिंदा है, उनको भी स्पॉट करके एलिमिनेट करना सेवंथ एलिमेंट के बाएं हाथ का खेल है। पोर्टल स्मोक्स का तो बहुत शानदार इन्होंने अभी तक इस्तेमाल किया है, अभी तक के लिए कोई नॉकआउट नहीं दिया है। इनके पास हाइट एडवांटेज भी है, क्या नॉकआउट निकलेगा? फिल्म फिर नॉकआउट निकल कर आएगा और टीम सेवंथ एलिमेंट के गोकुबॉट नॉक निकालेंगे। लेकिन जब अभी वार आता हुआ एक प्लेयर इनका भी गिरता हुआ लालयान, वो आगे बढ़ेंगे, ही गोज डाउन। लेकिन रिटेलिएशन आते हुए डिवाइन केंट से नेमा उनको भी नॉकआउट कर दिया जा चुका है। नो फेयर, उनको आलियन का किल मिलता है, लेकिन साथ ही साथ T24 ओपी टीम सेवंथ एलिमेंट्स उनके पास 2v2 पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। नेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या इनके पास थ्रोएबल्स मौजूद है? क्या यहाँ पे चिकन डिनर आ सकता है? जी हाँ आ सकता है। डिवाइन फिर से वो नॉकआउट निकालते हैं, T24 ओपी उनको सपोर्ट करेंगे, दोनों प्लेयर एक जगह पर मौजूद। इट्स डाउन टू अ 1v2 फाइट, टीम स्काईलाइट्स गेमिंग उनके पास ज्यादा एरिया मौजूद नहीं है। नो फेयर, उनको फेयर कर दिया जाएगा, चिकन डिनर निकलता हुआ टीम सेवंथ एलिमेंट्स का। और टीम सेवन ही दे रहा है, दुरुस्त आए, क्या ही शानदार पॉइंट्स इस मैच से टीम को मिल जाते। बिल्कुल जी, बहुत ही शानदार खेल दिखाया जाएगा। 19 पॉइंट्स लेकर ये टीम ओवरऑल 11वें पायदान पर आ जाएगी। सेवंथ एलिमेंट इस मैच में जिस तरह से रंग बिखेरा इन्होंने, दाद इनको देना पड़ेगी। और गाइज इसके अलावा कल के मैचेस में SR3XE स्पोर्ट्स ने भी चिकन डिनर निकाला है लास्ट मैच में। कल के लीग स्टेजेस के मैचेस में SR3XE स्पोर्ट्स ने जो चिकन डिनर निकाला है वो मूवमेंट भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। टार्जन प्लीज डू समथिंग, एक नॉकआउट अगर टीम T2K निकाल जाते हैं, सिर्फ एक नॉकआउट, इट विल बी इनफ। टीम T2K को आगे ओपन में पहले आना पड़ेगा, उसके बाद 3X आगे आएगी, बट टार्जन के क्रॉसर सारे के सारे 3X स्पोर्ट्स पे बने। आगे बढ़ते हुए रिक जा रहे हैं, एक प्लेयर स्पॉट हो जाएंगे, दूसरे प्लेयर डाउन हो जाएंगे, उसे बस सामने मौजूद है, इट्स अ 1v2 नाउ, उसे वो बाहर आएंगे, एक और नॉकआउट, 1v1 किया जाएगा, जोन के बाहर उज़ैफा लेकर जाते हुए टीम 3x स्पोर्ट्स। इट वाज इंपॉसिबल फॉर दिस टीम, लेकिन उज़ैफा डिड इट, 3x स्पोर्ट्स डिड इट और विनर विनर चिकन डिनर निकाला जाता है। थी फाइनली 10 एलिमिनेशन पॉइंट। ओह माय गॉड, दिस एक्चुअली हैपेंड, ये असल में हुआ है। जोन से बाहर जाकर ये वो आफरीदी ने जैसे कैच नहीं पकड़ा था कि बॉल बाहर जा रही होती है फील्ड से, लेकिन
वो फिर भी किसी ना किसी तरह से उस कैच को मुमकिन बना लेते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे SR3 ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड बात चली रही है तो हमारी नेक्स्ट अपडेट भी इसी से ही रिलेटेड है। स्विफ्ट रिटोट स्पोर्ट्स की तरफ से उनके चैनल पर एक बहुत ही बड़ी वॉच पार्टी की जाती है PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस की, जहाँ पे कास्टर्स और स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर को भी इन्वाइट किया जाता है। स्पोर्ट्स पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन भी की जाती है। अगर आप लोग स्विफ्ट रिटोट स्पोर्ट्स की तरफ से की जाने वाली वो वॉच पार्टी देखना चाहते हैं तो उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स और फोर मेरिकल वाइब्स से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स और फोर मेरिकल वाइब्स की मिलिट्री बेस ड्रॉप को लेकर काफी बड़ी रिवाइलरी चल रही है, और इसी चीज को लेकर रिसेंटली एक ड्रॉप क्लैश में फोर मेरिकल वाइब्स के प्लेयर ने टीम IIT स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को फिस्ट वगैरह भी किया है, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी रिसेंट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और गाइज इसके अलावा कल के मैचेस में भी टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स और फोर मेरिकल वाइब्स का एक ड्रॉप क्लैश हुआ है, और उस ड्रॉप क्लैश में टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स ने फोर मेरिकल वाइब्स को क्विक वाइप किया है। जैसे ही टीम अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स उस फाइट को जीतती है तो हमारे कास्टर्स का क्या ही एपिक रिएक्शन था। कल के मैचेस की स्ट्रीम का वो पार्ट भी मैं आप लोगों को यहां पे प्ले करके दिखा देता हूं। मंजर पर और हमारे पास जो टॉप एक टीम मौजूद है वो जो टॉप वन टीम है, उसके अलावा सभी टीम्स को फाइट लेना है फॉर द पॉइंट्स, लेकिन फोर मेरिकल वाइब्स वो सिस टीम है गॉन एक्साइट। ये क्या चीज हमें देखने को मिल रही है कि पूरे एमवी के प्लेयर्स वो इस जगह पर उतर जाएंगे। टीम है गॉन एक्साइट का IQ उनका बैक स्टेप आएगा, पहला लॉक निकाला जाएगा, बैरन उनको भी यहां पे फंसा दिया जाएगा ना। IQ क्या वो यहां पे स्किल में तब्दील कर पाएंगे, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। वो यहां पर मौजूद है, उज़्म के हाथ में सिकल मौजूद, नॉक करना लेकिन IQ वो यहाँ पर नॉकआउट कर दिए जा चुके, अपने को कंफर्म नहीं होने देना। जी हाँ, कंफर्मेशन नहीं होने दी जाएगी, इस मैच से एलिमिनेट किया जाएगा टीम एक और एक्साइटमेंट से फोर मेरिकल वाइब्स के स्क्वाड को, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ परफेक्ट रिवेंज। कल के दिन का जो बदला रह गया था, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाता, ज्यादा यहाँ पर जो है वो टीम फोर मेरिकल वाइब्स को उसको सेलिब्रेट नहीं करे दिया जाता, और जैसे ही इस मैच में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई टीम एगोनिक साइट वाज अप टू द टास्क। सेम कंपाउंड, सेम कंपाउंड लूट करना, तीन तीन प्लेयर्स और तीनों प्लेयर्स के साथ क्या ही शानदार फाइट। कोई भी यहां पर आप ये चीज नहीं बोल सकते, कोई मेंशन ये चीज कर सकता कि यहां पर एक टीम के लिए एडवांटेजेस है, एक टीम के लिए डिसएडवांटेजेस फाइट थी। एक बिल्कुल प्रॉपर एक इक्वालिटी वाली फाइट, एंड क्रेडिट गोज टू एगोनिक साइट। तो चले गाइज अब बात कर लेते हैं PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस की ओवरऑल स्टैंडिंग से रिलेटेड। PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस के Day 3 के भी मैचेस खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद टीम्स की जो ओवरऑल स्टैंडिंग वगैरह है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले नंबर पर DRS गेमिंग, दूसरे नंबर पर राय स्पोर्ट्स, तीसरे नंबर पर हाई वोल्टेज, चौथे नंबर पर लियो स्पोर्ट्स, पांचवें नंबर पर ISC स्पोर्ट्स, छठे नंबर पर फोर मेरिकल वाइब्स, सातवें नंबर पर अगोनेक्स IIT स्पोर्ट्स, आठवें नंबर पर T2K स्पोर्ट्स, नौवें नंबर पर मैग्नस स्पोर्ट्स, और दसवें नंबर पर हमें मैपटेक्स स्पोर्ट्स दिखाई दे रही है। और इसके बाकी 10 टीम्स की ओवरऑल स्टैंडिंग भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस और पाकिस्तानी टीम्स को जो इशू फेस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड। गाइस PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेस के मैचेस में पाकिस्तानी टीम्स को बहुत ही ज्यादा इशू फेस करने पड़ रहे हैं, और हर पाकिस्तानी टीम्स की जो पिंग्स वगैरह हैं वो 200 से भी ज्यादा आ रही हैं, और कुछ मैचेस में तो पाकिस्तानी टीम्स के प्लेयर अपने ही नेड्स और मोलोटोव वगैरह से किल हो रहे हैं, और इस चीज के प्रूफ भी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और इन इश्यूज को लेकर पाकिस्तानी टीम्स की तरफ से मैनेजमेंट को कंप्लेंट वगैरह भी की गई है, और इस कंप्लेंट पर मैनेजमेंट की तरफ से रिप्लाई ये आया है कि हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। गाइस अगर यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो पाकिस्तानी टीम्स को हमेशा ही PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप में ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अगर पूरी कम्युनिटी ने मिलकर इस पर आवाज नहीं उठाई तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई एक्शन होगा। बाकी इस चीज को लेकर आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस अगर यहाँ पे PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप के लीग स्टेजेज में पाकिस्तानी टीम्स के इश्यू से रिलेटेड बात चली रही है तो हमारी नेक्स्ट अपडेट भी इसी से ही रिलेटेड है। गाइस आप लोगों में से काफी सारे लोग ये कहते हैं कि PMPL साउथ एशिया चैंपियनशिप में अगर पाकिस्तानी टीम्स को इतने ज्यादा इशू आ रहे हैं तो उनको बाइकॉट कर देना चाहिए। तो उन लोगों को बताता चलूं कि इतने बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट को ऐसे ही बाइकॉट नहीं किया जा सकता। इसी से रिलेटेड टीन वुल्फ अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में क्या बात करते हैं आप खुद सुन लें। यार बाइकॉट नहीं कर सकते, देखो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, दे अपने अपने ग्रुप बनाकर मैसेजेस कर सकते हैं। बॉयकॉट करेंगे तो मैंने तुम लोग को कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, सिंपल बॉयकॉट करेंगे तो प्राइस पूल कट हो जाएगा और कुछ भी नहीं। वो कहेंगे हम लोगों ने तो कहा कि आकर ज्वाइन करो, हम इस पे बात कर रहे हैं, टेंशन से मीटिंग हो रही है फलान डिमकान, तो वो तो कहेंगे कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो फिर प्राइस पूल कट लेंगे। तो कौन सी टीम चाहती है कि हमारा प्राइस पूल कटा जाए? खैर मीटिंग हो चुकी है, ये नहीं है कि मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने यही बोला है कि यही जो सर्वर अभी चल रहा है यही बेस्ट सर्वर है टीम्स के लिए और हम सर्वर चेंज नहीं कर सकते, जिधर तक मुझे रिपोर्ट मिली है।
ये फाइनल उनका डिसीजन है, अब आगे अल्लाह जानता है भाई क्या होगा भाई। तो चलिए गाइज आज की ये वीडियो बस इतनी सी थी, अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।